दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रही छात्रा के कमरे और बाथरूम में स्पाई कैमरे लगे हुए थे। उसे व्हाट्सएप अकाउंट की गतिविधियों से शक हुआ, फिर उसने तलाशी की। जब उसको एक कैमरा मिल गया तो पुलिस को उसकी सूचना दी। पुलिस ने मकान मालिक के आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है क्योंकि उसने अपनी किरायेदार लड़की के बेडरूम और बाथरूम में बल्ब होल्डर के अंदर स्पाई कैमरा फिट कर दिया था। लड़की के पल पल की अपडेट ले रहा था। पुलिस के मुताबिक पीड़ित छात्रा यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। जब कभी वह छुट्टी पर अपने घर जाती तो फ्लैट की चाबी मकान मालिक के आरोपी लड़के को देकर ही जाती थी। आरोपी करण ने इसका फायदा उठाते हुए करीब 3 महीने पहले पीड़िता के फ्लैट में 2 कैमरे बल्ब होल्डर के अंदर फिट कर दिए थे। लड़की को इसका शक तब हुआ जब उसे व्हाट्सएप पर कुछ अलग गतिविधियां दिखी। वहां से उसे पता लगा कि किसी और लैपटॉप पर उसका अकाउंट ओपन है। उसके बाद उसने घर में तलाशी ली तो बाथरूम में बल्ब होल्डर में स्पाई कैमरा मिला। डीएसपी अपुरुआ ने बताया कि छात्रा को कुछ संदिग्ध गतिविधियां अपने व्हाट्सएप पर नजर आई। उसके बाद उसने अपने किसी जानकार से बात की। जब उसने लड़की का व्हाट्सएप अकाउंट चेक किया तब उसे बताया कि अकाउंट किसी और लैपटॉप पर लॉगिन है। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई कि लड़की करण के ऊपर पूरा विश्वास करती थी। करण उसके फ्लैट में आया जाया भी करता था, तो अंदेशा इस बात का है कि किसी दिन मौका देखकर उसने पीड़िता के मोबाइल पर व्हाट्सएप को स्कैन कर अपने लैपटॉप पर लॉगिन कर लिया था और तभी से वह छात्रा के सभी मैसेज भी पढ़ रहा था। यूपीएससी की तैयारी करी छात्रा जब अपने व्हाट्सएप अकाउंट को खोलती थी तो उसके द्वारा बिना पढ़े मैसेज भी ब्लू टिक के निशान आ रहे थे। जब 1-2 बार ब्लू टिक के निशान आए तो हर कोई नज़रअंदाज कर देता है, लेकिन इस छात्रा के साथ ये ज़्यादा हो गया तो उसे शक होना भी लाजमी था। युवती उत्तर प्रदेश की है और दिल्ली में अकेली रहकर सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रही है। आरोपी करण मकान मालिक का लड़का है जो उसी बिल्डिंग की दूसरी फ्लोर पर रहता है। आरोपी करण ने पूछताछ में बताया कि करीब 3 महीना पहले उसने बल्ब होल्डर में स्पाई कैमरा लगाया था। दोनों स्पाई कैमरे में एक मेमोरी कार्ड लगा हुआ था जिसमें निकालकर डाटा ट्रांसफर किया जा सकता था, इसलिए करण पिछले कुछ समय से लगातार पीड़िता से घर के पंखे या दूसरा इलेक्ट्रॉनिक अलायंस को ठीक करवाने के बहाने घर की चाबी मांगा करता था। आरोपी का लैपटॉप सीज किया गया जिसमें स्पाई कैमरे में रिकॉर्ड वीडियो को ट्रांसफर करता था। कि वो शकरपुर में एक मकान में किराए पर रहती है और उनको अपने कमरे में एक स्पाई कैमरा मिला था। इमिजिएटली पुलिस जब मौके पर पहुंची और फैक्ट्स हमने वेरीफाई किए तो आईओ और उनके जो साथी थे उनको पता चला कि उस लेडी के कमरे में 2 जगह पे स्पाई कैमराज इंस्टॉल थे, एक बाथरूम में और एक बेडरूम में। लेडी से पूछताछ करने पर पता चला कि मकान मालिक के जो बेटे हैं वो फ्रिक्वेंटली उनके कमरे में मेंटेनेंस वगैरह को लेकर आते जाते रहते थे उनके पीछे से, और कई बार आते जाते इमरजेंसी में अपने कमरे की चाबी वो उन मकान मालिक के बेटे के पास ही छोड़ कर जाती थी जो कि उनके काफ़ी ट्रस्टेड थे। तो उनकी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमने मकान मालिक के बेटे करण को पकड़ा और उनसे उनको इंटरोगेट किया। इंटरोगेशन में करण ने कन्फेस किया कि जब ये लेडी 3 महीने पहले अपने घर गई थी उस टाइम पे मौके का फ़ायदा उठाकर करण ने 3 स्पाई कैमराज परचेज किए थे जिसमें से 2 उन्होंने उस लेडी के अपार्टमेंट में इंस्टॉल कर दिए थे, एक बेडरूम में और एक बाथरूम में। और उस कैमरा के मेमोरी कार्ड को निकालने के लिए कई बार वो उस लेडी के कमरे में आते जाते रहते थे। लेडी के शक के आधार पर और करण के कन्फेशन के बेसिस पे हमने